नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सीटेट जुलाई 2023 की डेट आ चुकी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो ऑनलाइन पेपर हो रहा था दो बार से, वो चेंज हो गया। अगर हम बात करें कि जो जनवरी में 2023 में एग्जाम हुआ, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको देखने को मिला था कि आपका क्या था, ऑनलाइन मोड में एग्जाम था, और अभी क्या हो गया कि ये ऑफलाइन मोड दे दिया गया। बोला ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर ओएमआर बेस्ड, ये काफी बड़ा एक बदलाव है। अगर हम बात करें यहां पे नोटिस पर, तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या है एग्जाम डेट आपका कब से है। तो सीटेट जुलाई 2023 का जो एग्जाम डेट है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं। तो यहां पेन पेपर ओएमआर बेस 20/8/2023 संडे ऑल ओवर इंडिया इन द स्पेसिफाइड सिटीज, जो आपके एग्जाम सिटी आपने फिल किया है। सिर्फ वैसे आपका क्या होता था, कई शिफ्ट में एग्जाम होते थे, जिसके चलते क्या होता था किसी शिफ्ट में आपके एक तो नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं था, टफ आ गया, किसी का आसान आ गया, शायद इसी वजह से ये निर्णय लिया गया हो। और सिर्फ एक दिन को 20/8/2023 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हो जाएगा सीटेट का, ये ध्यान रखिएगा। वही आपका हिंदी में ये नोटिस जारी किया गया है। तो ये दो आपका ये क्लियर हो गया कि जो आपका एग्जाम है पेपर वन, बोला कि पेपर वन पेपर टू के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहरों में आयोजित की जाएगी। मतलब जो जो आप लोगों ने डाला था सर, ठीक है, तो ये आपका कन्फर्म है कि 20 तारीख को आपका एग्जाम होगा। अब यहां पर आता है कि बिहार भर्ती में क्या ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 को एग्जाम हो रहा है तो 10 दिन में रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन अप्लाई कर दीजिएगा बिहार वाले में, चांसेस हो सकता है क्योंकि एक ही दिन एग्जाम हो रहा है, तो 10 दिन में हो सकता है कि आपके रिजल्ट या कुछ भी ओएमआर कॉपी आ जाए, लेकिन कम चांसेस हैं। अब ये हो गया, अगर ऐसा होता कि जुलाई से शुरू होता, जुलाई लास्ट से, तब चांसेस था कि आप लोगों के रिजल्ट आ जाते 31 तक, तो आप अप्लाई कर सकते थे। अब एक तरह से जो बोला जाए कि आपके पास 31 तक मुश्किल है कि सीटेट 2023 का जो है अंक पत्र आपके पास होगा, रिजल्ट आपके पास होगा, चांसेस कम हो रहे हैं। चलिए, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। आप सभी वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों से करिए कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।